अलविदा नमाज पढ़ लिया। नमाज सलाम करो, सलाम करो। अल्लाह, ईद का चांद नजर आ गया, चांद रात मुबारक। आपका भीड़ है, सिरखुर मार्केट जाम जहाँ तहाँ लग रहा है। तो आज भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है नून नबी हब चैनल में। तो आज जुमे का दिन है और 29 रोजा अरब में आज ईद हो गया, तो शायद हम लोग का आज आखिरी रोजा भी होगा, इसलिए जो आज चांद रात होगा तो हम लोग चांद देख के पता चलेगा जो आज कल ईद है या नहीं है। तो आप चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो अभी मैं भाई का दुकान में, औली भाई का दुकान में, सिरखुर बाज़ार में है। तो सुबह से स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन अभी भी सुबह ही है, 10 बज रहा, लेकिन जाएंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने घर। तो आप चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक। हुआ तो छोटू झाड़ू लगा रहा, लगा दे अच्छा से। बापूज कुछ बोल रहा था, लगा रहा ना। रमजान रोजा थोड़ा आज सही लग रहा है, लेकिन कई दिन गया ना, बहुत इतना गर्मी धूप और बहुत परेशानी हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठंडा है, लग रहा बारिश भी हो सकता है एक दो दिन में, ईद के बाद हो या ईद के दिन, देखते हैं क्या हो। वो क्या है सरप्राइज भाई है, ठीक है। ये ठेंगा दिखा रहा है, हम लोग यहाँ ठेंगा मान लेते दिखा रहा है। देखो गाइस, ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा भाई, इतना देर से तो दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है। ये भी है, अच्छा लग रहा है ये कलर में को, ये भी अच्छा कलर है। रोजा में ना कस्टमर बहुत पकाता है, बार बार निकालो, वो निकालो, ये निकालो, पक जाओ 10 बर्गर के निकालो, फिर बोले पसंद नहीं है, इससे अच्छा नहीं है। ये कितना अच्छा अच्छा साड़ी है ना, तू क्या खोज रहा है, जींस ऊपर निकालने पड़ता है, तो कस्टमर के ऊपर क्या मूड होता है तुम्हारा। अच्छा मूड होता है। 50 कपड़ा देखने के बाद अगर कस्टमर निकल जाता है लेने के लिए, तब मूड कैसा लगता है तुम्हारा। थोड़ा मन खराब होता है। थोड़ा खराब होता है ना। सही है, सही है। ये सरफराज लोग का दुकान है, ये औली भाई का है। आएंगे उसके बाद निकलेंगे नमाज पढ़ने। तो अभी जा रहे हैं, एक नूंगी भी ले लिया, जा रहे हैं घर। तो बने रहिए चैनल पे, और नमाज आज जुमे की नमाज है ना, अलविदा जुमा। तो चलिए आपको बताते हैं, चल रहे जा रहे। अभी घर पहुंच के रेडी हो गया नहा धो के, और चलते हैं नमाज पढ़ने जुमे की, अलविदा जुमा। तो चलिए, मेरा घर से थोड़ा दूर है मस्जिद, तो मस्जिद निकल गए हम, तो अभी मस्जिद पहुंच गए। तो चलिए, जुमा का नमाज हो गया है। और तन्वीर, हाँ, अलविदा नमाज पढ़ लिया। नमाज सलाम करो, सलाम करो। हाँ, सलाम किया आप लोग को। तो चलिए घर। तो अभी घर पहुंच गया आराम से, और बहुत मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है, कल से कम है, थोड़ा मौसम ठंडा है, लेकिन 2023 में जुमा, 5 जुमा पड़ गया, 29वां दिन आज जुमा पड़ा, फर्स्ट रोजा में पड़ा था, और आज अगर चांद रात हो गया तो मैं 5वां जुमा, और बहुत अच्छा किया रमजान, अगर आज चांद रात हो गया तो आज तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो बने रहिए चैनल पे, तो बाद में थोड़ा देर बाद जाएंगे सिरखुर बाजार। नमाज पढ़ लिया, अभी जा रहे भाई के पास दुकान, रेडी है, तो चलते हैं। चल भी रास्ते में है ये स्टेशन, ये अखिल साहब का सिरखुर पहुंच गए, यहाँ से सिरखुर स्टार्ट पहुंच गए है। तो छोटू बोल रहा संभाल नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ था 2 बजे। तो अभी आया गोडाउन में, और ये वाला भाई का गोडाउन है, 1 फुट निकल गया, तो ये रख देंगे यही। हाँ, रख देंगे।
तो यहाँ सूट वूट है, शर्ट भी है ना। पंखा चालू नहीं किया, चलो नीचे चलो। तो आ गया ऊपर से नीचे तक। आज ये रोजा बहुत कस के लग रहा है, ऐसा लग रहा है रोजा। और है एक घंटा बाकी है, वहाँ देखो घड़ी, एक घंटा टाइम है, 25 मिनट बाकी है। इधर कलिंगड़ काटा जा रहा है। क्या बोल रहा है महापूज? 30 का जिंक्स है। ओहो, ये वाला नया लेटेस्ट माल लग रहा है। अच्छा, आज का ब्लॉग आज ही आ जाएगा, लेट नहीं होगा। वो भी है। हाँ, ये नानी उनी का घर आएगा घूमने वाला ना, तो वही वाला पहनेगा। ठीक है, चल जाएंगे घर पे। घर पे रोजा इफ्तारी करेंगे, क्योंकि आज लास्ट रोजा है। लग रहा आज मेरे को लग रहा है, लेकिन बादल है आसमान में, चांद देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो बताते रोजा खुलने के बाद। चलिए अभी घर चलते। चना नहीं बना है, इसीलिए जो घर में अंदर सा बन रहा था, इसके वजह से चना नहीं है, तो चल जाएगा। चना नहीं बना, शरबत इधर है, इधर सलाद है, और इधर अफ्तारी। तो अभी 2 मिनट बाकी है, सिर्फ 2 मिनट रोजा खोलने के लिए। आज 29वां रोजा है। रोजा जाने का गम अलग है, और ईद आने का खुशी अलग है। तो आज देखते हैं चांद निकल रहा है कि नहीं। आज तो आसमान में तो बादल है, लेकिन देखने मिलेगा कि नहीं। देखने मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो खबर मिल जाएगा थोड़ा देर बाद, थोड़ी के बाद। चलिए, तो अजान हो रही है अभी। तो अभी मगरिब का नमाज पढ़ के आ गई है बाहर रोड की तरफ, तो चांद देखने के लिए, ईद का चांद। तो अभी आज ना मौसम ठंडा सा भी है, और बादल सा भी छाया हुआ, तो देखते हैं। तो अभी तक तो नहीं दिखा, वही लग रहा है। माशाल्लाह, देखिए चांद का चांद नजर आ गया, देख रहा। माशाल्लाह, ईद का चांद नजर आ गया। चांद रात मुबारक आप सबको। तो चांद तो दिख गया, तभी दिखा चांद, देखा चांद मुबारक, चांद मुबारक। तभी का बिक्री पे नहीं बैठ पाएगा, और आज खत्म, आज खत्म। तो चलिए फिर सिरकुन चलते हैं भाई का दुकान में, तो बने रहिए। तो आज चांद रात का दिन, अच्छा खासा भीड़ है सिरकुन बाजार में, तो सही चल रहा है। पब्लिक अभी घर से निकल रहा है, रोजा वोजा आराम उराम करके। देखिए कितना भीड़ है, देख रहे पूरा गली में। चांद रात का भीड़ देखिए, गांव सिरकुन बाजार का भीड़ देखिए, देख रहे भाई लोग कितना। और इधर सरफराज को तो परेशानी कर दिया, देखिए लेडीज बेडीज एकदम भरा हुआ दुकान में। वो आज तो तबाही तबाही होगा लग रहा है। तो कल ईद है ना, और ईद की खुशी में आज जितना खरीदारी करना था कर लेगा आज, तो बने रही। ओ, भाई लोग सब्सक्राइबर है, आया कपड़ा खरीदने। लिया कि नहीं जिंक्स? पहन लिए? हाँ, पहन में ले लिए। बोलो ना चॉइस, बोलो ना जाओ। भाई लोग कपड़ा खरीदने के लिए आया है, भाई लोग का भी चैनल है घुमाने 786, तो भाई को सब्सक्राइब कर देना, साहिल बाबू घुमाने, देख लो। ठीक है, कर देगा, चलो। तब तो चांद रात का भीड़ है सिरकुन मार्केट, जाम जहाँ तहाँ लग रहा है। तो आज चांद रात है ना, इसके वजह से रास्ता थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। अभी 9 बज गया, और वीडियो भी एडिट करना है, और छोड़ना भी आज, लेकिन कल ईद है तो देखते हैं। और 7 बजे नमाज है ईदगाह में, तो आप बने रहिए, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी कितना बजे तक पब्लिक रहता है ग्राहक। इस यही एंड करते हैं ब्लॉग को, अभी 11 बजने वाला है, और आज चांद रात का दिन, एडिट भी करना है और वीडियो को भी अपलोड करना है। तो चलिए, और ईद वाला ब्लॉग जरूर देखना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।